यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में अच्छा अंक आने के बाद किसी भी विद्यार्थी का एडमिशन किसी अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है। और एडमिशन के बाद स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि फर्स्ट ईयर में मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना है इसके बारे में बताने वाले हैं। और चिंता मत करिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। सो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, अभी अभी आपका नया एडमिशन हुआ है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो कुछ बातें आप याद रखेंगे। देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में या इंजीनियरिंग कॉलेजों में आपकी जो परीक्षाएं कराई जाती हैं वो सेमेस्टर वाइज कराई जाती हैं। इसका मतलब हर 6 महीने पे आपका एग्ज़ाम होता है, हर 6 महीने पे आपका एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। तो इसका मतलब पॉलिटेक्निक कोर्स 10वीं बाद 3 साल का होता है, तो 3 साल में टोटल आपको 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो हम सबसे पहले प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आइए इसकी लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट motivationwaleBhaiya.in, इसी पे ये आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी आपको सब्जेक्ट की लिस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका हिंदी मतलब होता है अनुप्रयुक्त गणित। दूसरा सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स, जिसका हिंदी मतलब होता है अनुप्रयुक्त भौतिकी। तीसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हिंदी मतलब होता है अनुप्रयुक्त रसायन। और चौथा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल, जिसको टोटली इंग्लिश में पढ़ना है, इसका हिंदी होता है संप्रेषण कौशल। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि अनुप्रयुक्त आरेखन, इसमें आपको ड्राइंग खींचना होता है। सो इन सब्जेक्ट्स में भी आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसके लिए मैंने आर्टिकल में पूरी पोस्ट लिख रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर पूरी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इस बात को आप याद रखेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में सेम ही सब्जेक्ट पढ़ना है, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग। आई होप स्टूडेंट कि आप सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ आया होगा कि यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।